कैसरगंज बहराइच कैसरगंज में अधिवक्ताओं ने एसडीएम आलोक प्रसाद के खिलाफ किया प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने उनके दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक एसडीएम अपने व्यवहार में सुधार नहीं करते हैं तब तक न्यायालय का बहिष्कार करते रहेंगे। बहराइच के कैसरगंज तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने एसडीएम आलोक प्रसाद के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि एसडीएम का व्यवहार उनके प्रति दुर्व्यवहार पूर्ण है जिससे वे बेहद आहत है। कैसरगंज तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बार भवन में बैठक की। कैसरगंज तहसील बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं ने बार भवन में बैठक की जिसमें अधिवक्ताओं ने एसडीएम के कार्य दुर्व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताई। बैठक में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि जब तक एसडीएम अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाते तब तक अधिवक्ता न्यायालय का बहिष्कार करेंगे और न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे। अधिवक्ताओं ने एसडीएम कोर्ट के सामने नारेबाजी की और असंतोष व्यक्त किया। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को एक निंदा प्रस्ताव भेजा है। विगत 10 दिनों से बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गंगाधर मिश्रा ने कहा कि अधिवक्ता अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने में सक्षम हैं। विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन अध्यक्ष ब्रजेश प्रसाद मिश्रा, महामंत्री ज्ञान बाबू वर्मा, विजय प्रताप सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कैसरगंज से मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। एडवोकेट गंगाधर मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से कैसरगंज तहसील में धरना का सिलसिला जारी है, तो आप लोग इसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे कि ये कब तक चलेगा और आप लोगों के जो मांगे हैं पूरी हुई कि नहीं? कैसरगंज बार एसोसिएशन बहुत विवश होकर के उसके पश्चात इस प्रकार के आंदोलन के रूप में आया हुआ है, क्योंकि जो हमारे यहाँ वर्तमान SDM साहब आए हुए हैं प्रशिक्षण के तौर पर, जो है इनकी अभद्र भाषा, अमर्यादित टिप्पणी, इसके अतिरिक्त कई अधिवक्ताओं के साथ में अशोभनीय हरकत इन्होंने की है। ऐसी परिस्थिति में बार एसोसिएशन इनको हटाने के लिए आंदोलनरत है। लगभग 15 दिन से आंदोलन चल रहा है। जिलाधिकारी महोदया से भी हम लोग मिल चुके हैं, अपनी पूरी बात उनके समक्ष रखा है हम लोगों ने, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत डीपली मैं इस मामले का अध्ययन कर रही हूँ, जल्द ही समस्या का निराकरण मैं कर दूंगी। परंतु एक लंबा अरसा गुजर गया है, समाधान दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये बार एसोसिएशन कैसरगंज अपने इस आंदोलन को और आक्रामक तेवर में ले जाने के लिए बाध्य हो चुका है।